दोस्तों, अगर आप भी ओ माय गॉड 2 मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माय गॉड 2 मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माई गॉड 2। इस मूवी को डायरेक्ट किया अमित राय ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बिज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह अंश सुरक्षित हो गया, और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है, वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी ओ माय गॉड टू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माय गॉड टू मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2। इस मूवी को डायरेक्ट किया अमित राय ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को डायरेक्ट किया अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बिज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त
कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह अंश सुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ माहेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है, वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी ओ माई गॉड टू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माई गॉड टू मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बिज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकोम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह असुरक्षित हो गया। और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ माहेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। हतहंस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी ओ माई गोड टू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माई गोड टू मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2,
इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बिज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह असुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में स्पर्शन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी ओ माय गॉड 2 मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माय गॉड 2 मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बिज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह अंश सुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है।
कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी हैं, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी ओ माय गॉड टू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माय गॉड टू मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बीज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह असुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी ओ माई गॉड 2 मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माई गॉड 2 मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो।
बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बीज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह अंश सुरक्षित हो गया। और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी ओ माई गॉड टू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माई गॉड टू मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माई गॉड टू। इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बिज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह असुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में स्थितन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है, वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांश कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी ओ माई गॉड टू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माई गॉड टू मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2। इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बिज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त
कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह अंग सुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी ओ माय गॉड 2 मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माय गॉड 2 मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना,
इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बिज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्त इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्त इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह अंश सुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी ओ माई गॉड टू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माई गॉड टू मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2,
इस मूवी को डायरेक्ट किया अमित राय ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा विज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकोम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह असुरक्षित हो गया। और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ माहेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहंस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी ओ माई गॉड टू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माई गॉड टू मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बीज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह असुरक्षित हो गया, और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है।
कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी हैं, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहंस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी ओ माई गॉड टू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माई गॉड टू मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बीज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह अंत सुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी ओ माय गॉड 2 मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माय गॉड 2 मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा।
और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बिज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकोम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह अंश सुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ माहेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में स्पेतन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी ओ माय गॉड 2 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माय गॉड 2 मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बीज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्त इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्त इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह अंश सुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है, वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं।
हतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी ओ माई गॉड टू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माई गॉड टू मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बीज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है।
बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह असुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ माहेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं क्योंकि यह स्थित उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी ओ माई गॉड 2 मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माई गॉड 2 मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो।
बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बिज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह असुरक्षित हो गया, और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ माहेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है, वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांश कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद,
दोस्तों अगर आप भी ओ माई गोड टू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माई गोड टू मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2। इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बिज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह अंत सुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है, वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी ओ माई गॉड टू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माई गॉड टू मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माई गॉड टू, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बिज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त
कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह अंश सुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में स्तुतन करते हुए दिखाया गया जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी ओ माय गॉड 2 मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माय गॉड 2 मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बिज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकोम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह असुरक्षित हो गया है। और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ माहेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहंस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी ओ माई गॉड 2 मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माई गॉड 2 मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2,
इस मूवी को डायरेक्ट किया अमित राय ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बिज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह अंश सुरक्षित हो गया। और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ माहेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी ओ माई गॉड टू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माई गॉड टू मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बीज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह असुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्तमैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्तमैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है।
कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी हैं, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है, वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहंस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी ओ माई गोड टू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माई गोड टू मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बीज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह अंग सुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया, जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है, जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है। वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी ओ माय गॉड 2 मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओ माय गॉड 2 मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माय गॉड 2, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमित राय ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमित राय ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो।
बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को रोटो टोमेटोज की तरफ से 77% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अन्वेषा बिज, आरुष वर्मा, अरुण गोविल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी केफ ऑफ गुड्स फिल्म और वायुकॉम 18 स्टूडियो है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी तो भगवान शिव के एक निष्ठावान भक्त कांति शरण मुद्रल शहर के एक प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर एक दुकान के मालिक है। एक दिन उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगातार हस्त मैथुन करता रहा और बेहोश हो गया। विवेक के दोस्त ने बताया कि विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परेशान किया गया था और इस वजह से वह अंश सुरक्षित हो गया और विवेक को बताया गया कि हस्त मैथुन करने से लिंग बड़ा हो जाएगा। स्कूल के चेयरमैन अटल नाथ महेश्वरी के कांति को हाल में एक वीडियो के बारे में बताया गया है जिसमें विवेक को स्कूल के शौचालय में हस्त मैथुन करते हुए दिखाया गया जो कि उससे स्कूल की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए विवेक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांति के दोस्त पांडे जी को मंदिर में एक अमीर पुजारी है जो उन्हें सर छोड़ने की सलाह देते हैं क्योंकि यह स्थिति उनकी धार्मिक छवि को खराब कर रही है। वीडियो कांति की पत्नी बेटी उनके पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाता है, वे समाज द्वारा शर्मिंदा होने लगते हैं। अतहांस कांति मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दूत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।